जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 5 मिनट में आप पूरी की पूरी फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को हर चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कवर हो जाएंगे। जब भी आपका एग्जाम हो आप इसको बस एक बार पढ़ लेना, आपकी पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, जो पहला चैप्टर होता है हमारा मात्रक तथा विमा, इसमें आपको पहले पूरी पद्धतियाँ पढ़ लेनी है, फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की डिटेल दी है, उसके बाद जो एसआई मात्रक है तो साथ हमारे आधारी मात्रक, पूरक मात्रक, ये डिटेल दी है, और उसके बाद ये हमारे संपूरक मात्रक दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को पेज दिखा देता हूँ कि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप लोग इसको फटाक से रिवाइज कर लें। देखिए, आप इसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना, साथ ही आप ये पेज भी पूरा रिवाइज कर लेना मात्रक में। मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो 5 ही मिनट में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस भी जो ये पेज है इसको भी पूरा का पूरा आप लोग रिवाइज कर लेना। आप वीडियो पुश भी करते जाना जिससे कि बहुत तेज़ी से ये वीडियो ख़त्म हो जाए और बहुत ही कम समय में ये वीडियो तैयार हो जाए। उसके बाद ये कुछ विमाएँ दी हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये मान बहुत रेलवे में पूछे जाते हैं, एक ही जगह दे दिए गए हैं। प्रकाश वर्ष, खगोली, पार्शिक, ये सभी मात्रक पूछ देता है और ये मान भी पूछ देता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 10 की घातों के जो मान है ये भी पूछ देता है एग्जाम में। आप लोगों का रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। और उसके आगे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ दिए हैं मान, ये मापन जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग पिछले एग्जामों में देख लेना, तो आप इसको भी पढ़ लेना। साथ ही सदिश सदिश दी गई हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर चालू हो गया। तो सदिशों का अधिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, ये हमारे पूरे के पूरे फार्मूला दिए, और आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का एक न्यूमेरिकल पूछ भी देता है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये परिमाण निकालना, तो आप इस तरीके से निकाल लेना, और ये गति है, आप लोग वीडियो पोस्ट करके पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं गति के, नीचे जा नीचे ऊपर कहाँ पे जी का मान प्लस माइनस रहता है वो भी है। उसके बाद कौन सा समीकरण किसको बताता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर हमारा एक ग्राफ भी दिया गया है, एक हमारा ग्राफ है विस्थापन और समय का, और एक ग्राफ है हमारा वेग समय का, इससे प्रश्न बने हैं। उसके बाद फिर हमारा जो चौथा चैप्टर है प्रक्षेप गति, आप लोग देख सकते हैं कितने जल्दी जल्दी रिविजन हो रहा है। तो प्रक्षेप गति में एच मैक्स, आर, आर मैक्स और टी, एन, ये निकालने के लिए आते हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये पूरे फार्मूले रख लेना, आप लोगों में बहुत तेज रिवीजन हो जाएगा। छठवां जो अगला चैप्टर है हमारा, पांचवां उत्तोलक, उत्तोलक में क्या पूछता है, सिर्फ आपको कितना यांत्रिक लाभ होता है इसका और कौन सी भुजा क्या होती है ये पूछता है। साथ ही आप देख लीजिए न्यूटन के गति के नियम, ये हमारे नियम दिए हुए हैं, और आगे आप लोग देख सकते हैं घर्षण गुणांक, ये पूरी की पूरी डिटेल दी है। मतलब न्यूमेरिकल के जितने भी फार्मूले हैं शॉर्टकट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग फिजिक्स जब भी पढ़ना हो तो इस तरीके से आप जल्दी से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे ये पूरी आपको कार्य के फार्मूले दिए गए हैं, शक्ति के दिए गए हैं, और ये आप लोग रट लेना, एग्जाम टाइम में बहुत ही काम देगा। और ये देखिए ऊर्जा के जो स्वरूप में परिवर्तन होता है वो भी दिया गया है डिटेल में। फिर ये हमारी दक्षता दी गई है। उसके बाद अगले पेज में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हमारा टक्कर से संबंधित ये आपको मिल जाएगा, जो भी एसके जासर की बुक पढ़ते हैं उनको पता चल जाएगा। और ये हमारी कुछ यूनिट दी गई हैं, साथ ही नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए भी दिया गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो अगला चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण, सारे सारे चैप्टर दिए गए हैं, और गुरुत्वाकर्षण में ये देखिए फार्मूला, जी के वैल्यू, जी के मान में परिवर्तन, पलायन वेग, परिक्रमण काल, हर एक चीज़ दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगले पेज में आप लोग देखिए जी और जी में संबंध, हर एक चीज़ दी गई है। द्रव्यमान भार में जो शॉर्टकट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एग्जाम के पर्पज से वो बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। अब लिफ्ट की गति से भी प्रश्न आ जाता है, साथ में आगे वृत्ति गति के भी दिए गए हैं ये फार्मूले आपको, क्योंकि आप लोगों ने कई बार तो पढ़ ही लिया होगा, अब बार बार रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अब एक घंटा भी नहीं लगता है, मुश्किल से 20-25 मिनट में पूरी की पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं तरंग और ध्वनि का पूरा दिया गया, और कहाँ पर कितनी चाल होती है और किसमें कितनी चाल होती है। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल से संबंधित हैं, और आगे ये फार्मूले हैं हमारे न्यूटन के जो ध्वनि की चाल होती है न्यूटन के अनुसार, और पूरा अच्छे से दिया हुआ है। फिर आगे अगला चैप्टर है पदार्थों के सामान्य गुण, तो आप लोग देख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, किसमें किसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होती है। आप लोगों को मैं एक एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि आप वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ लें। अब आगे देख सकते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है, ठोस, द्रव, गैस का ये पूरा अच्छे से पूरे फार्मूले दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बर्नौली प्रमेय का भी फार्मूला है, विकृति का, हर एक चीज़ दी हुई है। अब आगे ये हमारा सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति के पूरे फार्मूले दिए गए हैं, कब घड़ी सुस्त होती है, कब तेज होती है। फिर आवृत्ति का दिया हुआ है, आवृत्ति बराबर 1/2 आवर्तकाल, ये पूरे फार्मूले दिए गए हैं, आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। फिर ये सरल लोलक का दिया गया है, पूरा कब घात कब क्या कितना परसेंटेज बदलाव होगा पूरा अच्छे से दिया गया है, तो आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। यही 5-6 मिनट के वीडियो से आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन दी गई हैं, फिर तापमान की जो स्केल है वो दी गई हैं,
साथ ही आप लोग देख सकते हैं 0 केल्विन या 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप का तापमान कहते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड एग्जाम में पूछ देता है। ये पूरे फार्मूले दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट हमारा पेज है, देखिए विभिन्न प्रकार के तापमापी, तापमापी से भी प्रश्न पूछा गया है। और ये आप लोग देख सकते हैं ऊष्मागतिका शून्य नियम, रेखीय प्रसार गुणांक, ये पूरा बहुत अच्छे से पूरा दिया गया है। तो आप लोग इसको क्या करना, अपना नोट तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ते रहना। फिर उसके बाद मिश्रण का तापमान, ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से दिया हुआ है। साथ में फिर प्रकाश चैप्टर, प्रकाश चैप्टर में दर्पण का सूत्र, फोकस दूरी का, लेंस का सूत्र और लेंस की क्षमता का, हर एक चीज़ इसमें देखो दी गई है। और उसके बाद फिर स्नेल का नियम भी है, और फिर अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रेलवे हमेशा इससे प्रश्न बनाता है। साथ ही में अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग जो हैं वो भी पूछे गए हैं। और आगे हमारे पेज में आप लोग देख सकते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भी पूछा गया है, हर एक चीज़ बताई गई है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो भी बताया गया है। रंग देख सकते हैं आप लोग, जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक रंग पूछ देता है, तो ये भी अच्छे से बताया गया है। साथ ही प्रकाशीय यंत्र जो होते हैं उसके बारे में भी है, और जो विद्युत चैप्टर है, विद्युत चैप्टर के फार्मूले भी सारे के सारे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाला है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये हमारा चैप्टर, यहाँ पे देखिए विभव का भी, धारिता का, और जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन है एग्जाम में प्रश्न पूछता है, चालकता का, आप लोग देख सकते हैं पूरा फार्मूला दिया हुआ। मैं एक एक चीज़ दिखा, एक पेज दिखा देता हूँ एक एक, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। अब आप लोग वीडियो पोस्ट कर करके हर एक पेज को पढ़ लेना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये पूरे के पूरे फार्मूले दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आवेश घनत्व शुरू हो जाता है, तो आवेश घनत्व में आप लोग ये पूरा पेज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है फैराडे का विद्युत अवघटन नियम। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो पूरा प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, विद्युत सेलों, वैद्युत सेलों के वैद्युत अवघट, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा, तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना, बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। साथ ही ये चुंबकत्व दिया है, चुंबकत्व के लिए कब किसका कितने ताप पर इसका लौ चुंबकीय युग समाप्त हो जाता है। उसके बाद डोमेन, और उसके बाद आधुनिक भौतिकी, जो हमारा 19वां चैप्टर है। तो आधुनिक भौतिकी में जो एन टाइप पी टाइप होते हैं वो भी अच्छे से बताया गया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे पेज पर चलते हैं, आगे ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा प्रदीप पदार्थ और उत्सर्जित रंग, कौन सा पदार्थ कौन सा रंग उत्सर्जित करता है। और उसके बाद सारे गेट दिए हुए हैं, आप लोग गेट देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये 5-6 मिनट की वीडियो में आप लोगों की फिजिक्स पूरी पूरी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो जब भी रिवीजन करना हो आप खोलना, जैसे मान लो ये पेज है, आपने वीडियो को पुश किया, वीडियो पुश करने के बाद आप पूरा एक तरफ से अच्छे से पढ़ लेना, और पूरा पढ़ने के बाद फिर वीडियो प्ले करना, फिर अगले पेज में पहुंच जाना और उसको रिवाइज कर लेना। अगर एग्जाम टाइम में आप एग्जाम हॉल के बाहर भी बैठे हैं, वहाँ पे भी आप इसका रिवीजन फटाफट कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी बैठ के आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। अगले वीडियो में केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से मैं आप लोगों को नोट दिखा दूंगा, और वीडियोज़ में थोड़ा सा रोक रोक के पुश करके अच्छे से बना दूंगा। मैथ का भी इसी तरीके से आप लोगों को बना दूंगा, और जो और अदर फार्मूले हैं वो भी, जैसे क्रियाएं हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। तो जितने भी लोको पायलट और टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं इसको बस एक बार अच्छे से रीड कर लेना, एक बार आप रीड कर लोगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये जो बुक है बहुत अच्छी है, इससे फास्ट रिवीजन हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोग अगर बुक खरीदना चाहें तो बुक खरीद लें, वरना इसी से आप तैयारी करते रहें, इसी से आप पढ़ते रहें। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।